राजधानी देहरादून में 26 जनवरी पर इस बार उत्तराखंड की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनेंगी। वहीं 26 जनवरी पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर सूचना निदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार की विकसित भारत योजना के तहत कई लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं के कार्य तेजी से किए जा रहे हैं, साथ ही पारंपरिक अनाजों का भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर झांकियों को निकाला जाएगा जो कि आकर्षण का केंद्र बनेंगी। इसी क्रम में संयुक्त सूचना निदेशक के एस चौहान ने कहा कि लगातार जिस तरह पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कार्य हो रहे हैं, ये सभी झांकियां उन विकास कार्यों को प्रदर्शित करेंगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये झांकी है जो आप देख रहे हैं, ये उत्तराखंड का विकास और विरासत दोनों का हमने इसमें एक संयोग किया है। यहाँ विकास भी है और विरासत भी है। जो ऑल वेदर रोड है, वंदे भारत है, जो मोबाइल टावर्स हैं वो भी आप देख रहे हैं, और जो हमारे मड़ुआ झंगोरा जो पैदा होता है उसकी भी आप देख रहे हैं इसमें दिखाया गया है। पारंपरिक वेशभूषा महिलाएँ दिखाई गई हैं। इसका जो संगीत है वो भी हमने स्थानीय भाषा में लिया हुआ है। तो विकास और विरासत दोनों का एक अद्भुत संगम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इस बार जो गणतंत्र दिवस की परेड आपको देहरादून में देखने में मिलेगी, उसमें उत्तराखंड सूचना विभाग द्वारा विकसित उत्तराखंड पर आधारित एक झांकी का निर्माण किया गया, जो एक दूसरे झांकियों से डिफरेंट झांकी के रूप में आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो पूरी विकास की यात्रा है उत्तराखंड की, जो विकास के काम हो रहे हैं उसको प्रदर्शित किया गया है। जैसे मिलेट्स है और कर्णप्रयाग ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है, ऑल वेदर रोड है, और प्रथम गांव माणा जो जिसको प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है उसको भी दिखाया गया है, अपन कला है, सौर ऊर्जा है, यानी जो पूरे उत्तराखंड में विकास के जो काम है उसको इस झांकी के माध्यम से आम जनता के लिए दिखाया जाएगा।